गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। जैसे कि गाइस, रिसेंट में ही लॉन्च हुई है उसकी दो फेशियल किट्स जो कि आपको स्क्रीन में मिल जाएंगी। फर्स्ट ये है ब्राइटनिंग फेशियल किट और दूसरी है चारकोल फेशियल किट। इससे पहले मैंने पॉन्ड्स की ब्राइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू एंड डेमो अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। अगर आपने उसका रिव्यू नहीं चेक किया है तो प्लीज़ उसका लिंक आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आई हूँ इसके दूसरे वेरियंट का रिव्यू एंड डेमो। एंड गाइज, ये है हमारा पॉन्ड्स का चारकोल एंटी पॉल्यूशन फेशियल किट, हेल्प्स रिमूव डलनेस एंड पॉल्यूशन टू अनकवर फेयरनेस। मतलब कि ये स्किन के पॉल्यूशन और डस्ट डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है और इंस्टेंट फेयरनेस देने का क्लेम करता है। कि होम फेशियल किट है, इसको आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स के साथ आती है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इसकी खास बात यह है कि सारे प्रोडक्ट जो आते हैं वो आपको ट्यूब में मिल जाएंगे। सैशे वाली जो किट्स होती हैं बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि एक किट में हम लोग 2 से 3 बार फेशियल कर लेते हैं अगर कोई सिंगल पर्सन कर रहा है तो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम यूज़ करते हैं पर वो सैशे ओपन रह जाते हैं और जब हम दूसरी बार उसको ओपन करते हैं तो वो सूखी होती है या फिर ख़त्म हो जाती है बह के। पर इसमें आपको ट्यूब मिलेंगे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी खास बात लगी। ये 6-स्टेप फेशियल किट आपको मिल जाएगी 300 रुपीज़ की और शेल्फ लाइफ मिलती है आपको 3 इयर्स की। 3 इयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की तो गाइस, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए गए हैं लेकिन हर ट्यूब के पीछे आपको बताया गया है कि क्या क्या इसमें मिक्स किया गया है, जो कि की इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। वो मैं फेशियल को परफॉर्म करते टाइम हर ट्यूब का क्लेम और उसका इंग्रेडिएंट रीड कर दूंगी, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं तो इसमें आपको फर्स्ट मिल जाएगा फेस वॉश, पॉल्यूशन स्क्रब है, तीसरा इसमें क्रीम है जो कि रिविटलाइजिंग क्रीम है, 4 इसमें डीप मसाज क्रीम है, चारकोल पील ऑफ मास्क दिया गया है और पॉल्यूशन प्रोटेक्ट क्रीम दी गई है। अगर क्लेम की बात करूँ तो गाइस, ये सिंपली क्लेम करता है फेस के पॉल्यूशन को रिमूव करने में, डलनेस को रिमूव करने में, जिसकी वजह से आपकी स्किन को फेयरनेस मिलेगी, मतलब कि इंस्टेंट की फेयरनेस देने का क्लेम करता है। तो ये है इसके क्लेम, जो कि एंटी पॉल्यूशन फेशियल किट है तो आपके फेस की गंदगी डर्ट और इस सब चीज़ों को निकालने में हेल्प करता है। सो गाइस, अब बारी है इसके डेमो की, मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी और साथ में रीड करूंगी कि इनके ईच प्रोडक्ट क्लेम करते क्या है। स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। सो स्टेप 1 है फेस वॉश, पॉन्ड्स का एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश दिया गया है विद एक्टिवेटेड कार्बन। दिस फॉर्मूला रिमूव्स द इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन पार्टिकल्स, फेस की इम्प्योरिटीज और पॉल्यूशन को रिमूव करने में हेल्प करता है ये चारकोल एंटी फेस वॉश। इसको अप्लाई करने का मेथड ऐसे है कि गाइस, आपको अपने फेस को अच्छे से वेट कर लेना है और अच्छे से लेदर क्रिएट करके आपको अपने इस फेस वॉश को वॉश कर लेना है एक नॉर्मल फेस वॉश की तरीके। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया है। स्टेप 2 स्क्रब। सो गाइस, इसमें दिया गया है स्क्रब जो कि है पॉन्ड्स पॉल्यूशन ऑफ स्क्रब एनरिच्ड विद वॉलनट शेल पाउडर। इट हेल्प्स एक्सफोलिएट डेड सेल्स एंड रिमूव एक्सेस ऑयल। फेस के एक्सेस ऑयल और डेड स्किन को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। अप्लाई करने का मेथड गाइस, इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से वेट कर लेना है और क्वांटिटी में इसको लगा लेना है, एक ठीक ठाक क्वांटिटी में इसको लगा लेना है। सर्कुलर मोशन करके आप 5 से 7 मिनट तक का अपने फेस को मसाज करिए और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रब करिए जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप वाटर की मदद से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं और जब आप अपने फेस को मसाज करें तो जेंटली मसाज करें और अपवर्ड डायरेक्शन में करें, जो कि आपके स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा। स्टेप 3 नरिशिंग क्रीम, पॉन्ड्स रिविटलाइजिंग क्रीम्स। इसमें गाइस दी गई है पॉन्ड्स की रिविटलाइजिंग क्रीम जो कि रिच है विटामिन B3 एंड विटामिन ई के, जो कि स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। इसको अप्लाई करना है इसको यूज़ करने का तरीका ऐसे है कि आपको इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है और जेंटली इसको मसाज करना है फिंगर टिप की मदद से। जेंटली मसाज करिएगा, हार्ड हैंड मत चलाइएगा वरना आपके स्किन में रैशेज हो सकते हैं। और स्किन में जब ये एब्जॉर्ब हो जाए आप अपने फेस को एज इट इज छोड़ दें।
मसाज क्रीम, पॉन्ड्स डीप मसाज क्रीम दी गई है। ये इसमें रिच है ग्लिसरीन, विद ग्लिसरीन इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन टू गिव यू हेल्दी ग्लो। इसमें ग्लिसरीन मिक्स की गई है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और ग्लो देने में हेल्प करती है। हैंड में ले लेना है अच्छे से, सर्कुलर मोशन में आपको अपवर्ड स्ट्रोक देते हुए 10 से 15 मिनट तक का इस क्रीम को यूज़ करना है, मतलब कि फेस को मसाज करना है। जितने अच्छे से आप अपने फेस को मसाज करेंगे आपकी स्किन टाइट होगी, पर मसाज करते टाइम हैंड्स को लाइटली ही लेना चाहिए, जो कि मैं हर स्टेप में यही बोल रही हूँ। और उसके बाद अगर आपको क्रीम थोड़ी सी थिक लग रही है और मसाज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा वाटर ले सकते हो, और उसके बाद एक कॉटन की मदद से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। स्टेप 5 गाइस, दिया गया है पील ऑफ मास्क, पॉन्ड्स चारकोल पील ऑफ मास्क इनरिच्ड विद बैम्बू चारकोल एंड हेल्प्स रिमूव ब्लैक हेड्स टू ब्राइटन योर स्किन। तो गाइज ये आपके स्किन से ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइटन फील होगी। अप्लाई द मास्क इन थिन इवन लेयर, आपको अपने फेस पे ये मास्क को इवन लेयर पे अप्लाई कर लेना है और आईब्रोज और लिप्स के एरिया पे नहीं लगाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक का आपको रखना है एज इट इज। जब ये पील ऑफ मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाए तो नीचे से आप इसको कर सकते हैं। रिमूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि पील ऑफ मास्क में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। स्टेप 6 जो कि लास्ट स्टेप है, फिनिशिंग क्रीम, पॉन्ड्स पॉल्यूशन प्रोटेक्ट क्रीम। सो गाइज ये क्रीम है पॉल्यूशन प्रोटेक्ट क्रीम। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ईजी है, आप इसको नॉर्मल क्रीम के तरीके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। जब तक का ये एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप मसाज कर सकते हो। सो गाइज सकते हैं कि ये फेशियल हो गया है कंप्लीट। इसको परफॉर्म करने में आपको लगेंगे कम से कम 30 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर का टाइम आप लेके बैठे तब इस फेशियल को करें। सो गाइस इसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसकी मैंने ब्राइटन फेशियल किट भी यूज़ की थी गाइस, उसको भी मैंने यूज़ किया था। अगले दिन मॉर्निंग में बहुत ब्राइटन फेस लग रहा था, और इसकी पॉन्ड्स एंटी पॉल्यूशन मैंने किट यूज़ की, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा, फेस बहुत ब्राइटन लग रहा था। मैंने दिवाली की एक नाइट पहले यूज़ किया था एंड बहुत अच्छा रिजल्ट इसने दिया था, फेस बहुत ग्लोई लग रहा था, काफ़ी क्लीन लग रहा था। एंड गाइस ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पॉन्ड्स ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इन किट को लेके, मैं सिर्फ अपना हॉनेस्ट फीडबैक दे रही हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे ये दोनों किट बहुत पसंद आई और मुझे इन दोनों में से पॉन्ड्स की ब्राइटनिंग वाली किट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मुझे लगी ऑयली स्किन वालों के लिए क्योंकि ये अच्छे से ऑयल को रिमूव कर देता है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप घर पर फेशियल करना पसंद करती हैं तो आप डेफिनेटली इस फेशियल किट को ट्राई कर सकती है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छे वेल नोन ब्रांड से है, डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई जरूर दे सकती हैं। एंड इस फेशियल किट से आप कम 2 बार फेशियल जरूर कर सकती हैं। सो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड जेमो पॉन्ड चारकोल एंटी पॉल्यूशन फेशियल किट के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई करिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।